हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट नेविगेशन की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले थे, सीखने वाले हैं नहीं, मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो के अंदर, हम लिस्ट बनाएंगे क्योंकि इनमें नेविगेशन मैंने सेटअप कर ली थी और इस क्लिक के ऊपर मैं आपको ये बताने वाला था कि लिस्ट हम ये कैसे कॉल करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ये लिस्ट आपको नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे कॉल करेंगे, बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम इस लिस्ट के लिए एपीआई जो हमने बनाई है वो कैसे बनाई है, वो कैसे कॉल करिए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इस वीडियो के। सबसे पहले जेएसएन सर्वर होता क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है, इसको यूज़ कैसे करते हैं पोस्टमैन के साथ में। अब पोस्टमैन कहाँ से आ गया, देखो अगर आपको पोस्टमैन का यूज़ नहीं पता तो डोंट वेरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसको पोस्टमैन का यूज़ भी बता दूंगा। बट अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं या फिर एक मोबाइल ऐप डेवलपर हैं तो आपको पोस्टमैन का पता होना चाहिए और आपको हर एक एपीआई इंटीग्रेशन से पहले पोस्टमैन के ऊपर टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पोस्टमैन पे टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि एरर बैकएंड से है या फिर फ्रंट एंड से है। कई बार एरर आ भी जाता है, हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो सकता है बैकएंड में कुछ गलती कर रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा, पोस्टमैन आपको वैसे ही बता देगा कि ये बैकएंड से एरर है या नहीं है। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें करके देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जेसन सर्वर होता क्या है, थोड़े सा थ्योरेटिकल पॉइंट है दो ये वाले। देखो जेसन सर्वर एक फेक एपीआई क्रिएट करने के लिए टूल होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप बहुत सारी फेक एपीआई क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी एक फेक एपीआई क्रिएट कर रखी है। इसका डेटा ये रहा, आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से ये मैंने कैसे करा और उसको कैसे एपीआई के जैसे यूज़ करा। इवन ये db.json फाइल आप ये मत समझिए कि मैंने प्रोजेक्ट के अंदर डाल रखी है, यहाँ पर लिस्ट कर रखा है, ये प्योरली एक एपीआई के जैसे यूज़ हो रही है, आपको दिखाऊंगा मैं भी कैसे, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो हर एक फ्रंट एंड डेवलपर को जरूरी नहीं है कि बैक एंड की नॉलेज भी हो। अब बैक एंड की अगर नॉलेज है भी आपको तो भी आपको एपीआई बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, आपको पहले डेटाबेस सेटअप करना पड़ता है, बैक एंड की लैंग्वेज PHP नोड या फिर कुछ जावा कुछ या पाइथन वगैरह सेटअप करनी पड़ती है, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। और हम फोकस कर रहे हैं फ्रंट एंड के ऊपर, तो हम बैक एंड क्यों सीखें, क्यों इनके ऊपर एपीआई में इतना टाइम वेस्ट करें, तो उसके लिए जेसन सर्वर आपको ईजिली एपीआई प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दो टॉपिक हो गए, अब मैं जेसन सर्वर आपको दिखाता हूँ। अगर आप गूगल में आपको आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो तो जस्ट जेसन सर्वर लिख दीजिएगा और आपको जो पहला लिंक मिलेगा ना, दूसरा मिलेगा, पहला भी यही है बट ये npm का है, मैं आपको GitHub वाला प्रेफर करूँगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। वैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि जेसन सर्वर क्या होता है, फेक एपीज वगैरह देता है, सब कुछ इसने अच्छे से बताया। इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं इंस्टॉलेशन का बताऊँगा यहाँ पे, जैसे आपको ये वाली कमांड रन करनी है और आपका जो जेसन सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप किसी भी फोल्डर के अंदर जाके, जैसे कि मैं किसी फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, सबसे पहले मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली फाइल डिलीट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। इस कोड को कॉपी इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि ये मैं बाद में यूज़ कर लूँ, ठीक है। और मैं इस किसी भी एक फोल्डर के अंदर जाके, जैसे कि मैं रिएक्ट नेटिव का फोल्डर होगा मेरा, राइट, ये रहा रिएक्ट नेटिव के फोल्डर के अंदर, db के अंदर जाके ये वाली db वाली फाइल है, मैं पुरानी फाइल डिलीट कर देता हूँ और यहाँ मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लेट्स से न्यू डॉक्यूमेंट db.json, कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप db रखो, ठीक है। सो ये हो गई मेरी फाइल, हो गई ये बिल्कुल खाली पड़ी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी डाटा डाल दो, अभी के लिए मैं ये वाला डाटा डाल के देख रहा हूँ इसके अंदर जो इसने बताया हुआ है, ताकि आप ये समझ लो कि किस तरीके से ये काम कर रही है, ठीक है। सो मैंने ये वाला डाटा रखा इसके अंदर, या फिर यहाँ पे रख लो, रिलोड कर लो, एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद में इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये है इसकी कमांड, ठीक है। अब ये कमांड आपको रन कहाँ कर रही है, इसकी फोल्डर के अंदर जाके, जो पुराने वाली कमांड है मैं उसको बंद कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ। और जैसे आपको यहाँ पे लिखना है जेसन माइनस सर्वर माइनस माइनस वॉच और db.json, ठीक है। जैसे ये वाली कमांड रन करोगे आपकी एक छोटी सी एपीआई रेडी हो जाएगी, तीन एपीआई रेडी हो जाएंगी, ये देखो पोस्ट वाली, कमेंट वाली और प्रोफाइल वाली, ये देखिए, ठीक है। इसको हम अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताऊंगा, बट हमारा प्रोजेक्ट है वो रेस्टोरेंट वाला, तो मैं ये वाला डाटा क्यों नहीं डाल लेता हूँ इसके अंदर उठा के, ठीक है, ये वाला डाटा डाल लेता हूँ ना, ये ठीक रहेगा। तो मैं इसके अंदर ये वाला डाटा की बजाय मैं ये वाला डाटा डाल देता हूँ और अब देखता हूँ कि मुझे एपीआई पे क्या मिल रहा है। इसको मैं भी बंद कर देता हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अब मैं देखो यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ बताएगा, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्यों बताया, क्योंकि ये रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट है, इस किसने एपीआई बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाली एपीआई दिख गई। अब इसको पोस्टमैन पे कैसे टेस्ट करूँ, जस्ट ये खाली यूआरएल उठाना है आपको पोस्टमैन, अगर आपको नहीं पता कि कैसे इंस्टॉल करते हैं तो पोस्टमैन क्रोम एक्सटेंशन लिखनी है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखोगे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना,
और जैसे आप पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा क्रोम के इस एक्सटेंशन के ऊपर। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए लॉन्च आ रहा है, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। सो ये जैसे ही ओपन करेंगे, सो अभी हम यहाँ पे बेसिकली एपी को टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा। और देखिए अब यहाँ पे जितना भी काम हो रखा है मैं सारा का सारा हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं पहले कुछ काम कर रहा हुआ इस पर। और आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा, बस इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एपीआई को, और रिक्वेस्ट की टाइप चूज़ करनी है। जब हमें लिस्टिंग दिखानी होती है तो गेट टाइप चूज़ करते हैं, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे लिस्टिंग आ गई, तो ये मेरी एपीआई टेस्ट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 और फिर मैं हिट करता हूँ तो उसने मुझे दे दिया ब्लैंक, कहता ऐसा कुछ है ही नहीं, 401। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट हुआ कि भाई ये वाला जो वाला है वो सही तरीके से चल रहा है। अब ये तो हो गई मेरी गेट एपीआई। पोस्ट एपीआई मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ? पोस्ट एपीआई के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे टैब में खोलता हूँ। पोस्ट एपीआई क्या करेगी, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इसके अंदर डाटा एंटर कैसे कर सकता हूँ, डमी डाटा। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में जाओगे, बॉडी में जाने के बाद रो पे, रो पे जाने के बाद में यहाँ पे जेसन पे क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक डाटा डाल दो आप उठा के, मैं ये वाला डाटा उठा लेता हूँ ताकि टाइप करने में टाइम ना लगे ना। और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ 3 3 नहीं, अगर मैं 6 आईडी डाल देता हूँ अगर सीरीज़ के हिसाब से चल रहा हूँ ना मैं, ताकि डाटा कुछ गलत एंटर ना हो। और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ जैसे कि नाइट राइडर, ठीक है, ये रेस्टोरेंट का नाम है, गुड़गांव में है। अच्छा राइट, सो यहाँ पे KN इसका वो कुछ एड्रेस हो गया, और मैं गुड़गांव में डाल देता हूँ ऐसा कुछ करके। और अब मैं इस पे हिट करता हूँ तो अब देख सकते हो कि 6 एंट्री हो गई है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 5 ही एंट्री थी, अब फिर से करता हूँ तो 6 एंट्री हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी चेक हो गई। अब मैं इस पे पुट रिक्वेस्ट चेक करना चाहूँ तो पुट रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दे रखी हैं अगर आप देखना चाहो ना, तो यहाँ पे भी इन्होंने दी हुई है कि गेट रिक्वेस्ट ही हो गई। सिंगल एक रिक्वेस्ट गेट करनी है आपको, एक ही आईडी गेट करनी है, तो कैसे करोगे? तो जैसे कि इसके अंदर कोई भी आईडी डाल दीजिए, यहाँ पे लेट्स सी आपको फोर्थ वाली गेट करनी है। फोर्थ वाली किसके लिए, यहाँ पे ओम रेस्टो है, यहाँ पे ओम रेस्टो आ गया, परफेक्ट। सो और मान लो कि ये वाला हो गया, और पोस्ट मैंने आपको बता दिया, पुट और डिलीट और देख लेते हैं। पुट का मतलब है कि लेट्स से कुछ रेस्ट कोई आईडी आपको डिलीट करनी है, ठीक है, सो वो कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट्स से मुझे 6th वाली आईडी है ना उसी को अपडेट करना है जो जस्ट हमने भी एंटर करी है। इसको मैं यहाँ से पूरा देखता हूँ, ठीक है, जो 6th वाली आईडी है ये वाली, तो लेट्स से मुझे गुड़गांव का जगह नोएडा करना है अभी। सो मैं यहाँ पे नोएडा करूँगा, उसकी आईडी डालूंगा मैं यहाँ पे 6, और यहाँ पे डालूंगा पुट। अब जैसे मैं ये वाला एड्रेस डालूंगा तो ये वाला नया क्रिएट नहीं होगा, वही वाला अपडेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गुड़गांव ही है, मैं नया अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे नोएडा। अच्छा ये आ कहाँ से रहा है, आ रहा है ये यहाँ से, देखिए जो मैंने आपको db.json फाइल बनाई थी ना, इसके अंदर सारा का सारा काम हो रहा है। ठीक है, डिलीट करना है, लेट से मुझे 6th वाला ही डिलीट करना है, तो कोई बात नहीं, डिलीट करना भी ईजी है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक आईडी दो कि कौन सी आईडी डिलीट करनी है, और यहाँ पे डिलीट पे ऑप्शन पे क्लिक करो, सबमिट करो, इसने बता दिया डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए 5 रिक्वेस्ट रिकॉर्ड्स बचे हुए हैं, तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ये हमारा जेसन सर्वर काम कर रहा है। ठीक है, सारी की सारी हमने एपीआई टेस्ट भी कर ली, यानी कि अब क्या है, अब इससे क्या होगा कि हम लोग गेट भी कर सकते हैं, पोस्ट यानी कि नई ऐड भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सारे सारे ऑपरेशन आने वाली वीडियोज़ के अंदर करके देंगे, अभी पोस्टमैन से करें हैं, बाद में हम इसको आने वाली वीडियोज़ के अंदर हमारी रेस्टोरेंट वाली एप्लीकेशन से करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।